POI ये तीन लेटर में आज का पूरा वीडियो होने वाला। जी हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो गाइस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा चीज होता है गेम के अंदर, वो केवल पीजीएम में पबजी मोबाइल के अंदर नहीं होता, सब गेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है कभी कभी। और ये जो चीज होता है ना गेम को थोड़ा सा और एनहेंस करता है। तो आज के वीडियो में आपका भी थोड़ा काम है, कमेंट सेक्शन आप कमेंट कर सकते हो आपको पीजीएम या पबजी मोबाइल या कोई भी गेम का कौन सा सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लगा। तो अगर समझ नहीं आ रहा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। लाइक आपका मिरर वर्ल्ड का जो निम्बस आइलैंड होता था, लोग जहां अट्रैक्ट होते थे, उसके साथ साथ एंसेंट सीक्रेट मोड अभी जो हम लोग का बीजेएमए के अंदर कंटिन्यू चल रहा है उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका पता, पिरामिड जहां आप ऊपर जाते हो। लाइक आपका एनिवर्सरी मोड चल रहा है हो सकता तो पबजी मोबाइल के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखाई देता है एनिवर्सरी का एरिया। तो वैसे बहुत सारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आज तक आपने देखा होगा 5 साल के अंदर, अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। कुछ कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इतना बेहतरीन है कि भाई अभी भी उसका याद आता है। तो आप लोग कमेंट करके आपको कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा। मेरा फेवरेट निम्बस आइलैंड है, और उसके साथ साथ सेकंड एनिवर्सरी का जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना था ना वो सबसे बेहतरीन मुझे लगा था। और भी बहुत सारा है बट याद नहीं आ रहा। एक चीज और भी ध्यान देना कि ये जो नाम मैं बताया ये पर्टिकुलर मोड के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ कुछ इवेंट का भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लाइक आप बोल लो गोल्डन फैरो का गोल्डन चेयर हम लोग को देखने को मिलता था, और वो सब जगह लिटरली खोज के की निकालने में अलग मजा आता था। इवन ब्लड रेवन जब आया था उसका ट्री आपको दिखाई देता था जगह जगह इरेंगल में, और वो जगह में जाके वो खोजना पड़ता था, उससे आपको सीड मिलता था। अपने एक चीज नोटिस किया कि पहले का टाइम भी इवेंट पबजी मोबाइल देता था, वो इवेंट को करने के लिए लोग को एंगेज करके रखता था। लाइक आप गोल्डन फैरो का पकड़ लो, उसके साथ साथ ब्लड रेवन को पकड़ लो, ये सब जगह में लोकेशन में जाके सामान खोजने में अलग मजा आता था। बट अगर अभी का आप एक्सोड देख लो, वो लोग कुछ नहीं करने बोल रहा, जस्ट आप खेल लो नॉर्मल क्लासिक मोड और आपको मिल जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा ना इंटरेस्ट घट जाता है, नॉर्मली तो लोग खेलते ही क्लासिक मोड मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फिलहाल करेंटली पबजी मोबाइल के अंदर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट न्यू ऐड हुआ जो कि बियर ब्रिक्स का है। आपको पता है कुछ दिन पहले कोलैबोरेशन हुआ बियर ब्रिक्स के साथ, और 4 न्यू कंपेनियन आपको दिखाई दिया, 2 आपको मिथिक, इसमें एक येलो ममी सेट का बोल सकते हो कंपेनियन है, और 2 लेजेंडरी था। तो फाइनली मैं आपको टॉप 5 लोकेशन दिखाने वाला हूँ ये कंपेनियन का, इरेंगल मैप में आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे ये जो लोकेशन है ना हर एक मैच में सेम लोकेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये रैंडमली बोल सकते स्पॉन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप पबजी मोबाइल खेलते हो, पबजी मोबाइल किया पबजी मोबाइल जापान या कोई भी पबजी मोबाइल का वेरिएंट खेलते हो, तो आपको ये बियर सब आपको देखने को मिलेगा जो कि एनिमेटेड है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नोवो वाला ब्रिज जो आपको देखने को मिलता है, वो पेट्रोल पंप के उधर आपको रैंडमली ये वाला वो सब गिली सूट वाला बियर आपको दिखाई देगा। और आप जब उसके सामने जाओगे और उसको इंटरेक्ट करोगे ओपन करोगे तो आपको दिखेगा वो जो बियर है ना वो फ्लेयर गन चलाएगा। तो ये एनिमेशन मुझे काफ़ी क्यूट और काफ़ी प्यारा लगा। जब ये एनिमेशन होगा ना ये डेडिकेटेड आपके लिए प्राइवेट ड्रॉप मंगवा के देगा, ये नेक्स्ट लेवल है, और जो कि नॉर्मल ड्रॉप का मुकाबले जल्दी आपको ला के दे देगा। तो जैसे आप इंटरेक्ट करोगे ये फ्लेयर गन चलाएगा, उसके बाद ऊपर से प्लेन आएगा और इसके लिए आपके लिए एक्सक्लूसिव प्राइवेट ड्रॉप आ जाएगा। जैसे ही वो ड्रॉप आएगा तो पहले तो ड्रॉप का कलर भी अलग है और उसके साथ साथ लूट भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, छोटा ड्रॉप है बट अच्छा ड्रॉप है, आपके लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है, उसका सेकंड जो लोकेशन आपको देखने को मिलेगा वो है भाई अगर आप स्कूल एरिया चल जाओ, स्कूल एरिया में जो बास्केटबॉल कोर्ट रहता है उसका छत पे चल जाओगे तो आपको ये लाभ मेडिकेट वाला बियर आपको दिखाई देगा जो कि सोया हुआ रहता है, और उसको भी इंटरेक्ट करोगे तो आप इसका एनिमेशन अलग दिखेगा। सब बियर ब्रिक्स का अलग अलग एनिमेशन है। इसको मेडिकेट वाला को अप्लाई करोगे तो वो ऊपर से वो एच वाला लोगो है वो उठ के निकल जाएगा, उसके अंदर से आपको लूट मिल जाएगा, अच्छा खासा लूट रहता है। आप लेवल 3 का गियर्स कभी कभी आपको हेलमेट उलमेट भी मिल जाता है, कभी फ्लेयर गन भी मिल सकता है। ठीक है, और जो तीसरा लोकेशन है वो आप जाओगे पोचिंकी में, पोचिंकी का चर्च एरिया तो आप देखे होंगे, तो पोचिंकी का चर्च एरिया में आप लोग का फेवरेट वो सकते हो कंपेनियन देखने को मिलेगा, वो है भाई येलो ममी बियर ब्रिक। ठीक है, येलो ममी बियर ब्रिक जो चर्च है उसमें सोया हुआ रहता है, उसको इंटरेक्ट करोगे तो ममी उठ के आपको ड्रॉप देगा। तो ये एनिमेशन तीनों अलग अलग बियर का अलग अलग एनिमेशन है, और भी है तो मुझे नहीं पता, बट 5 ही लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें से तीसरा जो लोकेशन है अगर आप पोचिंकी जाओगे तो पोचिंकी का जो चर्च एरिया है उसका छत पे आपको ये चीज़ दिख जाएगा, उसको इंटरेक्ट करोगे तो उसको लूट आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप चौथा एरिया में जाना चाहते हो तो आपको सिंपली मिल्टा पावर एंड मिल्टा बोल सकते जो एरिया है ना उसका बीच में एक आपको वेयर हाउस टाइप का एक घर दिख जाता है जो कि आपको देख के समझ जा रहे हो। ये लोकेशन में जाओगे तो वो येलो ममी आपको इधर भी रैंडमली, हर ऐसा नहीं कि हर एक मैच में आपको देखने को मिलेगा, रैंडमली कभी कभी स्पॉन होगा तो उसको अगर आप इंटरेक्ट करोगे उसमें भी आपको लूट मिल जाएगा। और उसका जो आखिरी जो लोकेशन है वो आपको सिंपली यसनाया में जाना है, यसनाया के पीछे वाले एरिया में जाओगे तो आपको वो वाला गिली सूट वाला कंपेनियन दिख जाएगा। गिली सूट वाला जो कंपेनियन है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है बट उसी के साथ साथ थोड़ा ज़्यादा रिस्की भी है। बाकी जो कंपेनियन उसमें तुरंत इंटरेक्ट करोगे तुरंत आपको सामान मिल जाता है,
बट एक गिली सूट वाला कंपेयर है ना, इसको आपको इंटरेक्ट करने का दो फ्लेयर चलाएगा और उसके बाद ड्रॉप आएगा प्लेन आने के बाद, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए ये थोड़ा रिस्की भी है बट रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल जाता है। तो ये पाँच लोकेशन में आपको दिखा दिया जो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और इससे थोड़ा सा मज़ा तो आ ही रहा फिलहाल, इसमें एक बियर मिल रहा उसका यूज़ अभी समझ नहीं आ रहा, बट ये चीज़ आपको देखने को मेरा, मैं सोचूंगा चलो आपके साथ शेयर कर दिया जाए। मुझे पता है मैक्सिमम लोग खेलते नहीं, नॉलेज रखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, और फिर से आपको पता है बीजेएमआई का भी कोई भी न्यूज़ नहीं आया, जैसे ही आएगा वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।